Hey buddies, welcome back to my channel. आज मैं आप लोगों के साथ में ना अपनी कुछ फीलिंग्स शेयर करूंगी, मैं अपने दोस्तों की फीलिंग्स शेयर करूंगी। बहुत ही जल्द ना मैं अपनी यहाँ से अपना ये रूम छोड़ के अपने घर जाने वाली हूँ। मेरे सारे दोस्तों का सिलेक्शन हो गया है और सब अपने अपने ना पोस्टिंग पे या अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं और मैं यहाँ से रूम छोड़ के अब अपने घर जा रही हूँ। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हुई हैं अच्छी खासी, जो मैं नहीं शेयर कर सकती या मैं करना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं किसी को भी ना अपसेट नहीं करना चाहती हूँ। मेरे दोस्तों ने ना, मैं उदास थी और मैं अभी यहाँ से जाने वाली, तो उन्होंने कहा चलो हम इस रूम पे ना लास्ट टाइम तुम्हारे लिए कुछ बनाते हैं, तुम तो हमारे लिए हमेशा बनाती रहती हो। तो उन्होंने यार खुद बोला कि चलो हम ना छोले भटूरे बनाएंगे। यार मैंने उनको बोला भी कि छोले भटूरे इतनी ईजी इतनी जल्दबाजी में नहीं बनते हैं, पर उन्होंने बोला कि नहीं यार, हम अपने तरीके से जैसे रूम पे हर कोई खाना बनाता है ना, और कभी कभी जिस तरीके से उनका मन करता है वो अचानक से बनाते हैं। यार उन्होंने उसी तरीके से खाना बनाया था, उन्होंने सारी चीज़ें एक साथ डाल दी थी, कोई मसाला वसाला भूना नहीं, सारे मसाले एक साथ डाल दिए। अगर आप लोग बाहर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में या रूम पर ना हम लोग इसी तरीके से खाना बनाते, पर ये पहला एक्सपीरियंस था यार मैंने, उन्होंने देखा उन्होंने ना इस तरीके से कुकर को ऐसे फोल्ड मतलब उल्टा कर दिया है और टमाटर को ऐसे घोट रहे हैं या उसे क्रश कर रहे हैं। यार बहुत ही फनी टाइम चल रहा है ये ना, मतलब इन लोगों का। मैं इनको मतलब मैंने उस टाइम तो देखा नहीं क्योंकि मैं अंदर हूँ, मुझे सिर्फ बोल दिया गया कि तुम अंदर बैठो, और ये मेरे ना मतलब मेरी दो तीन दोस्त और आके सभी मतलब ये चीज़ें कर रहे थे कि मसाला नहीं भुना है, आलू डाल दिए हैं। उन्होंने बोला कि भाई तू बैठ, तू हमेशा हमारे लिए बनाती है, आज हम अपना ना रूम वाला जैसे हम बनाते हैं वही वीडियो दिखाएंगे, और इस वीडियो को डालना भी, क्योंकि लोगों को सिर्फ ये मत दिखाओ कि तुम कैसे खाना बनाते हो, ये भी दिखाओ कि हम रूम पे रहते हैं तो हम कैसे खाना बनाते हैं। भाई साइड में जो दो गिर गए ना छोले, वो भी इन्होंने डाले हैं। जो आटा हमने 3-4 घंटे रखा है ना इन लोगों ने, उसमें यार खमीर नहीं हुआ, क्योंकि शायद हो सकता है कि किसी चीज़ की कमी रही, इसमें नहीं हुआ, खमीर नहीं उठा इसमें। और फिर उन्होंने ना भटूरे बनाने की कोशिश की मुझे सिर्फ खुश करने के लिए कि मैं उदास हूँ। वो लोग सब ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं, यार मेरी अभी जॉब नहीं लगी है तो मैं थोड़ी सी उदास थी। और अपना सफ़र अब मैं ख़त्म कर रही हूँ या नहीं कर रही, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जब उनसे ये चीज़ नहीं हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि यार सिर्फ तो भटूरे किस तरीके से लोई निकाल दे क्योंकि हमसे नहीं बन रहे। तो मैं आ गई थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ। तो फिर मैंने इस तरीके से लोई निकाल दी थी। मैं उदास हूँ, थोड़ी सी डिप्रेशन भी हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब लाइफ में क्या करने की सोच रही हूँ। पढ़ाई कंटिन्यूसली रखूँगी या मैं बहुत ही अलग सी अभी फ़िलहाल मेरा फेस चल रहा है। और मेरे दोस्तों ने जो भी मतलब मेरे लिए खाना वाना बनाया, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी यार कि वो मुझे खुश करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। अब यार भटूरे वगैरह फूल नहीं रहे हैं या खमीर नहीं उठा, ये मैटर नहीं करता अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने कुछ इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। मैं जानती हूँ शायद मेरी वीडियो देख के आप लोगों को लगेगा यार ये खाना बनाने की वीडियो है और तुम ये सब बकवास कर रही हो। पहली बात तो कोई वीडियो देख नहीं रहा है, और अगर जो देख रहा है ना तो वो फीलिंग से ही देखेगा। मेरी फीलिंग मेरी जो वीडियो है ना वो विदाउट फीलिंग या यार ऐसे ही कुछ नहीं होगी। अगर आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हो तो आप मुझे भी पसंद ही करोगे। तो मेरी फीलिंग अभी फ़िलहाल ऐसी ही चल रही है। दोस्तों ने इतना प्यारा खाना बनाया है, मुझे नहीं पता यार मैं अभी इस रूम पर कब तक हूँ, क्योंकि मैं कुछ ही टाइम में ये रूम खाली कर दूँगी, अपने दोस्तों से सबसे दूर हो जाऊँगी। बहुत बेकार फीलिंग है। बहुत अच्छा खासा टाइम निकाला है यार इस रूम में, यहाँ पर बहुत लंबा टाइम निकाला, मैंने स्टडी को बहुत लंबा टाइम दिया, पर मेरी अचीवमेंट फ़िलहाल हाथ खाली हैं। कुछ भी अचीव नहीं किया है सिवाय इन अच्छे दोस्तों के। और खाना वाना सब तैयार हो गया था यार, उन्होंने फिर मुझे बोला कि तुम अपनी प्लेटिंग करो जैसे तुम वीडियो बनाती हो, उसी तरीके से इस खाने को भी दिखाओ, हम लोगों की हमारे प्यार दिखाओ, हमारी फीलिंग दिखाओ। यार मतलब अच्छा लग रहा था उन लोगों के साथ में सब चीज़ शेयर करना, और उनका ये बोलना कि इस खाने को भी दिखाओ, ज़रूरी नहीं है तुम अपना अच्छा खाना दिखाओगी, हमारा खाना भी दिखाओ कैसे हमने खाना बनाया है। मैंने उनके खाने के लिए ही मैंने मतलब उनके खाने को शो करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। यार ये खाना मेरे लिए बेस्ट है, मेरी अब तक का सबसे अच्छा खाना मुझे लगा था, क्योंकि ये मेरे दोस्तों ने मेरे लिए बनाया है। और ऐसा खाना यार फैमिली में या हमारे अपना कोई हमारे लिए बनाता है ना, तो वो हमारा बहुत अच्छा लग होता है कि ये हमारे पास हमारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे लिए ये सब कर रहे हैं। मैंने अपनी वीडियो की जर्नी ना इसी रूम से शुरू करी है, मैं यहीं पे मैंने एक मतलब हर कोई फेस करता है दुख खुशी सब चीज़ फेस किए हैं, मैंने यहीं से अपने ना वीडियो बनाना चैनल बनाना शुरू किया था। मैं इस घर को अपने दोस्तों को बहुत मिस करूँगी, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर मतलब सीखी हैं। फ्यूचर जो कहते हैं ना वो नहीं पता होता, लेकिन प्रेजेंट में मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा और अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी।